उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान है। छठे चरण में पूर्वांचल की कई सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पूर्वांचल की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, तो दूसरे छोर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल है कि 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये इलाका सुकून देने वाला नहीं रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी ने अपने 5 लोकसभा सीटें गंवा दी, तो 2022 विधानसभा चुनाव में कई जिलों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। इसी तरह 2019 में 3 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां मामूली वोटों से पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीत सके थे। बीजेपी के सबसे बड़े 2 महारथियों के प्रभाव के बाद भी पार्टी की ऐसी स्थिति है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। यादव और मुस्लिम बहुल इस संसदीय सीट पर MY फॉर्मूला काम करता रहा है, लेकिन अखिलेश के रिजाइन करने के बाद हुए उपचुनाव में भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से करारी हार मिली। बीजेपी के प्रत्याशी भोजपुरी एक्टर और सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जीत मिली थी, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम हो गया। ऐसे में 2024 में समीकरण सपा मजबूत स्थिति में है। इसकी वजह उपचुनाव में बीजेपी के जीत का कारण बने बसपा कैंडिडेट गुड्डू जमाली अब सपा के साथ हैं। इस सीट पर बसपा इस बार कई प्रत्याशी बदलने की वजह से पहले जितना प्रभावी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में घोसी सीट पर बसपा के अतुल राय ने जीत हासिल की थी। अतुल राय को 1,22,568 मतों के अंतर से जीत मिली, लेकिन इस बार सपा और बसपा दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे। सपा से राजीव राय तो बसपा से बालकृष्ण चौहान उम्मीदवार हैं। बालकृष्ण यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। NDA ने यहां से सुभाषपा के अनिल राजभर को उम्मीदवार बनाया। अनिल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। बीजेपी ने घोसी के दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल किया। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने इसलिए पार्टी में शामिल किया था कि चौहान वोटों का फायदा हो सकेगा, लेकिन बसपा उम्मीदवार भी नोनिया जाति से होने की वजह से ये फायदा अब NDA कैंडिडेट को मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इसी तरीके से बीजेपी को सवर्ण भूमियार वोट भी मिलने की उम्मीद कम हो गई है, क्योंकि सपा ने भूमियार समुदाय के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में घोसी सीट पर भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2019 के चुनाव में गाजीपुर सीट से बसपा के अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। अफजाल ने भाजपा के मनोज सिन्हा को हराया था। अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1,19,392 मतों के अंतर से हराया। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रहे। इस बार मनोज सिन्हा ही इनके खास जो है पारसनाथ राय को बीजेपी ने टिकट दिया है। मनोज सिन्हा सबसे अगर बात करें तो जब से कश्मीर के राज्यपाल बने हैं तब से उनके नाम और काम की चर्चा है। उन्हें लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कहते हैं। इसके चलते उनका प्रभाव गाजीपुर में कुछ काम कर सकता है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है। इस बार बसपा अफजाल अंसारी के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ की लड़ाई इस बार कांटे की हो गई है। 2019 के चुनाव में जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बसपा के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही आपको बता दें 1989 से 2014 के बीच बीजेपी ने यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता। ऐसे में बीजेपी ने इस बार मुंबई में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपा शंकर सिंह पर दाव खेला। उनका मुकाबला बाबू सिंह कुशवाहा से है, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बाबू सिंह कुशवाहा बसपा में रहते हुए अति पिछड़ों के कद्दावर नेता रहे। बसपा ने अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव पर ही भरोसा जताया। अगर बसपा उम्मीदवार कमजोर पड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होना तय है, लेकिन धनंजय सिंह ने जब से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग शुरू की है बीजेपी को कुछ फायदा होने की उम्मीद बढ़ गई है। 2019 के चुनाव में यूपी के मछली शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत तो मिली थी, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था। बीजेपी ये सीट सिर्फ 181 वोटों से जीतने में कामयाब रही। मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद BP सरोज को उम्मीदवार बनाया। BP सरोज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का पहलू जरूर उन्हें परेशान करेगा। 2019 के चुनाव में बलिया से बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था। बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने 15,519 वोटों से जीत हासिल की। यही वजह है बीजेपी ने इस बार उन पर भरोसा नहीं जताया। भाजपा ने इस बार बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को कैंडिडेट बनाया। उनके सामने सपा के सनातन पांडे और BSP के लल्लन सिंह यादव मैदान में हैं। नीरज शेखर की स्थिति यहां मजबूत मानी जा रही है, लेकिन सनातन पांडे खेल बिगाड़ने की कुबत रखते हैं। एग्जिट पोल 2024
1 जून शाम 6 बजे से लोकसभा चुनाव के नतीजे, 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।